नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप सभी के लिए एक अनोखी सी सब्जी लाई हूँ, बेबी कॉर्न की मंचूरियन। आप तो बेबी कॉर्न दुकान में खाए होंगे, लेकिन कभी घर में बनाए हैं? आज चलो मैं सिखाती हूँ कितनी जल्दी, आपको 5 मिनट ही लगेंगे बेबी कॉर्न मंचूरियन बनाने के लिए। तो पहले आप बेबी कॉर्न को ऐसे छोटा छोटा पीस करके काट दीजिए। तो ऐसे छोटे काटने से उसको फ्राई होने में बहुत आसानी होगी, खाने में बहुत ही टेस्टी है। और हमारे वेजिटेरियन जितने सारे फ्रेंड है, उनका तो सबसे फेवरेट है बेबी कॉर्न। थोड़ा अलग सा स्वाद है, बहुत ही सुंदर सा स्वाद है। एक बार आप भी ऐसे ज़रूर बनाइए। तो अभी हमारा काटना सब हो गया है, आप देख सकते हैं ऐसे लंबा लंबा करके काट देंगे। अभी एक बाउल में लेके उसको पानी में अच्छे से धो लेंगे। एक दो बार आप अच्छे से धोने के बाद उसमें थोड़ा नमक, थोड़ा हल्दी, थोड़ा मिर्ची पाउडर, 2-3 चम्मच कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्न 65 या चिकन 65 का मसाला है, आप वो भी थोड़ा डाल सकते हैं, तो उसमें और भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अभी हम इसको अच्छे से मिला दिए। अभी एक कढ़ाई गैस में चढ़ा देंगे, थोड़ा सा उसमें तेल डाल के गर्म होने तक वेट करेंगे। अभी हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अभी एक एक करके हम सारे बेबी कॉर्न, जितना भी यहाँ पर जगह होगा, सारे कढ़ाई में डाल देंगे। बेबी कॉर्न फ्राई होने में बस 4 से 5 मिनट लगते हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो जल्दी पक जाता है। तो इसीलिए आप उसको ज़्यादा टाइम तक मत पकाइएगा, क्योंकि एक बार वो हार्ड हो जाएगा तो खाने में मज़ा नहीं आएगा। जितना सॉफ्ट होगा, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा, जूसी रहेगा और बहुत ही टेस्टी रहेगा। इसीलिए ज़्यादा टाइम मत पकाइएगा, जस्ट 4 से 5 मिनट तक। अभी 2 मिनट के बाद जस्ट उसको इधर उधर करके कर दीजिए, फिर उसका दूसरा वाला साइड पक जाएगा। अभी हमारा क्रिस्पी बेबी कॉर्न रेडी है। उसको अभी हम एक प्लेट में निकाल देंगे और बाकी धीरे धीरे करके सारे बेबी कॉर्न अच्छे से फ्राई कर लेंगे। कितना सुंदर दिख रहा है ना? आपको जैसा सुंदर दिख रहा है, खाने में भी बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही क्रिस्पी है। एक ही बेबी कॉर्न का अगर हम खरीदेंगे दुकान से, तो फिर मतलब आराम से 4-5 जन लोग तो खा ही लेंगे। देखने के लिए इतना छोटा पैकेट है, लेकिन बनाने के बाद बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो आप ज़रूर लाइए, ट्राई कीजिए और कमेंट में मेंशन कीजिए आपका बेबी कॉर्न मंचूरियन कैसी बनी। दुकान में तो सब खाते हैं, लेकिन हम घर में कितना अच्छे से हाइजीनिक बनाते हैं। खाने में जितना स्वाद, हमारा स्वास्थ्य भी बहुत ही अच्छा रहेगा। देखने में कितना सुंदर लग रहा है ना, खाने में भी बड़े मज़ेदार है। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऐसे 5-7 मिनट लगेंगे और हमारे सारे बेबी कॉर्न फ्राई हो जाएंगे। बेबी कॉर्न का खुशबू एक अलग तरह का है, बहुत ही सुंदर। घर में बेबी कॉर्न बने और लोग ना जाने, सबको पता चलेगा कि आज मम्मी बेबी कॉर्न मंचूरियन बना रही है। सबकी भूख जैसे बढ़ ही जाएगी। अभी हम इसको फ्राई करने के लिए थोड़ा सा जीरा, एक कटी हुई मिर्च, थोड़ा प्याज और आपके पास अगर धनिया का पत्ता होगा तो वो भी डाल दीजिए। एक साथ हम इसको मिला के फ्राई कर देंगे। गोल्डन ब्राउन कलर होने तक हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। धीरे धीरे हल्के हल्के से इसको फ्राई कीजिए। बहुत ही सुंदर दिख रहा है और उसके साथ जो मिर्ची है वो खाने में बहुत ही तीखा लाएगा और बड़े मज़ेदार। आप 2 रोटी क्या, एक साथ 4-5 रोटियां भी खा लेंगे। अभी थोड़ा इसमें हल्दी डालेंगे, थोड़ा नमक डालेंगे,
और आपके पास अगर थोड़ा लाल मिर्ची कश्मीरी लाल होता है तो वो वाला पाउडर थोड़ा डाल दीजिए और अच्छे से मिला के इसको फ्राई कर दीजिएगा। कलर अभी कितना सुंदर दिख रहा है ना। थोड़ा फ्राई होने के बाद हम सारे सॉस इसमें डाल देंगे। अगर आपके पास टमाटर है तो थोड़ा टमाटर काट के इसमें डाल दीजिए। टमाटर डालने से उसका कलर भी थोड़ा अच्छा आएगा और टेस्ट में थोड़ा थोड़ा खट्टापन आके और भी बढ़िया लगेगा। कुछ टाइम इसमें टमाटर डाल के उसको थोड़ा कवर कर लेंगे तो अच्छे से वो थोड़ा पक जाएगा। दो तीन मिनट पकने के बाद हम कवर खोल के इसको और एक बार अच्छे से मिला लेंगे, कहीं नीचे जल ना जाए। थोड़ा सा सोया सॉस डालेंगे और थोड़ा सा हॉट एंड सोर चिल्ली सॉस डालेंगे और थोड़ी टमाटर सॉस डालेंगे। ये सारे सॉस डालने से मंचूरियन का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा, बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही मज़ेदार। ज़रूर ऐसे आप स्टेप्स फॉलो करके बनाइए और घर में सबको खिलाइए। दो तीन मिनट अच्छे से पकाने के बाद सारे बेबी कॉर्न उसमें डाल देंगे और सारे जो मसाले हैं उसको मिला देंगे। आप चाहे तो एक पिंच इसमें शुगर ऐड कर सकते हैं। शुगर ऐड करने से भी उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। अगर आप चीनी नहीं खाते तो मत मिलाइए, अगर चीनी खाते हैं तो एक पिंच चीनी भी डाल दीजिएगा। हमारा बेबी कॉर्न क्रिस्पी बेबी कॉर्न मंचूरियन रेडी है। अभी हमारा बेबी कॉर्न मंचूरियन बनके तैयार हो गया है, अभी हम सर्व कर लेंगे। देखने में जितना सुंदर है खाने में और ही बढ़िया है। आप गरम गरम सर्व कीजिए और खा लीजिए तो फिर उसका क्रिस्पीनेस रहेगा। थोड़ा ठंडा होने के बाद क्रिस्पी थोड़ा कम हो सकता है, इसीलिए जब भी खाना खाएंगे तभी तुरंत बनाइए और खाइए। कितना सुंदर लग रही है ना, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और आपकी कमेंट हमारी बहुत ही पसंद है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हम सारी कमेंट पढ़ेंगे और आपको रिप्लाई भी करेंगे। Bye-bye.